नुकसान ही नुकसान हो रहा है, कुछ कोरोना कर रहा है तो कुछ आग। शहर चंडीगढ़ के सेक्टर 46 के मार्केट में स्थित एक दुकान अचानक आग की चपेट में आ गई। हालांकि सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन आग लगने के चलते उठे धुएं पर काबू पाना अभी जरा मुश्किल हो रहा है। दुकान में जिस तरह से धुआं भरा हुआ है उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग तेज ही लगी होगी। फिलहाल नुकसान कितना हुआ है अभी इस बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। धुआं छटने के बाद ही नुकसान का आकलन हो सकेगा। बताया जा रहा है कि सेक्टर 46 की मार्केट स्थित हरियाणा डिपार्टमेंटल स्टोर नाम की दुकान पर आग लगी। दमकल विभाग के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब 8:30 बजे दुकान में आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद विभाग के 6 कर्मी फायर वैन के साथ फौरन मौके के लिए रवाना हो गए और वहां पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। तो ये यहां पर आग लगी है आपके सेक्टर 46 में, आप भाजपा के नेता हैं तो आपने क्या हुआ थोड़ा सा आप बताएंगे? बस फोन आया कि मैडम हरियाणा स्टोर में ना आग लग गई हुई है 8 बजे के लगभग बताया, तो 8 बजे मैंने आकर यहाँ देखे तो धुआं निकल रही थी। धुआं निकलने के बाद मैंने इनको कॉल किया, इनके हमारी ये फ्रेंड थी तो उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने फटाफट, इससे पहले मैंने 5 ब्रिगेड को फ़ोन कर दिए कि उन्होंने मुश्किल से 5-10 मिनट में ही पहुँच गए। आने के बाद उन्होंने अपने लॉग ये दुकान के तोड़े और अपना प्रोसेस पूरा करने लगे, और मैं प्रशासन को तरफ से भी बोल रही हूँ, उन्होंने भी काफ़ी सहायता की, अपने तरफ से पूरी निष्ठा से उन्होंने ये आग बुझाने में काम कर रहे हैं। तो आप ये आपने कॉल किया तो तुरंत आ गई थी फायर ब्रिगेड? हाँ जी, फायर ब्रिगेड 10 मिनट में ही आ गए थे, और यहाँ के जो हमारे अरुण जी हैं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, उन्होंने भी बोले कि मैं आ रहा हूँ, यहाँ के एरिया काउंसिलर भी आ गए थे, सब देख कर चले गए। अभी ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।